हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और प्रभु की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज तारीख है 20 दिसंबर और दिन है बुधवार। तो सुबह सुबह सारे काम मेरे कर दिए थे, बस वहीं से ब्लॉग अपना स्टार्ट किया है मैंने। सब नाश्ता वगैरह हो गया था, अब यहाँ पर ना मैं लंच की तैयारी कर रही थी। और लंच में ना मैंने सेम की और आलू की सब्ज़ी बनाई थी ना, जो एक दिन पहले मैंने तैयार करी थी सेम, तो उसी की मैंने सब्ज़ी बनाई थी। लेकिन मम्मी और पापा जी को नहीं खानी थी, तो फिर जब वो उठ गए ना, तो टाइम करीब 8:30 का हो रहा था। तो मुझे तो जल्दी सुबह को होती है ना, तो सब कुछ जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। लेकिन उनसे जब उनके लिए जब खाने के लिए बनाना होता है, तो उनसे पूछ कर ही बनाती हूँ, क्योंकि ना कुछ चीज़ें जब मैं बना लेती हूँ उसके बाद पता चलता है कि उनको नहीं खानी है। तो इससे तो अच्छा ये है कि मैं उनसे पूछ कर ही बनाऊँ। तो जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला दाल और लौकी की सब्ज़ी बना लो। तो हमने एक सब्ज़ी हो गई हमारी सेम आलू और एक हो गई दाल और लौकी की सब्ज़ी। बस यहाँ पर मैं लौकी को छील के और काट के ना कुकर में डाल दूँगी। जब तक दाल और लौकी की सब्ज़ी बनेगी ना, तब तक मैं बाकी के काम निपटाऊँगी। तो यहाँ पर दाल और लौकी काट के मसूर की दाल डालना था, जो लाल वाली होती है ना, वो वाली, तो उसको डाल के बस सिंपल सी बनाती हूँ मैं। पहले हल्दी और नमक डाल के बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद जिस चीज़ से भी तड़का लगाना होता है तड़का लगा देती हूँ। वैसे मैं और तरीके से भी बनाती हूँ, चने की दाल डाल के भी बनाती हूँ, लेकिन उनको चने की दाल में नहीं खानी थी लौकी। तो इधर ये सेम आलू बन चुकी है और आटा वगैरह सब तैयार कर लिया था मैंने, और रायता भी बनाया था बथुआ का, और बथुआ का ही आटा तैयार किया था, तो उसी की रोटियां सेकूंगी मैं। पराठे मेरे यहाँ बहुत ही कम खाए जाते हैं, जब कभी बहुत ज़्यादा मन होता है तभी पराठे बनाती हूँ मैं। तो आजकल दिन छोटे होते हैं ना, तो ब्रेकफास्ट लंच सब एक साथ ही हो जाता है। तो यहाँ पर पूरा सब कुछ तैयार कर लिया था मैंने। तो सबसे पहले बस वही गाय की रोटी निकालना और उसके बाद सारी रोटियाँ तैयार करना। तो यहाँ पर हस्बैंड जी अपना तैयार हो रहे थे नहा धो के, और बेटी आई हुई है ना, तो उसके लिए भी फिर खाना मतलब पराठे वराठे सेक के रख जाऊँगी। फिर जब मैं वापस आऊँगी तो जो भी खाएगी वो मैं बनाऊँगी। तो मैंने एक दिन पहले सूप बनाया हुआ था, तो मैं किचन में खड़े ही खड़े अपना सूप पिए ले रही थी, तो सूप भी पी लिया था मैंने। अब ये टाइम हो रहा है स्कूल से आने के बाद का, जहाँ पर ना मैं बना रही थी ऑरेंज जूस, क्योंकि कई दिनों से बहुत सारे ऑरेंज ला के रखे हुए थे और मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं ऑरेंज खा लूँ या इनका जूस बना के पी लूँ। तो फाइनली आज वो दिन आ ही गया कि बेटी आ गई ना, तो उसके बहाने से मैंने सारे ऑरेंज छीले, ऑरेंज छील के फिर उनका जूस बनाया। और पता है फ्रिज में रखे हुए थे ना, तो मन डर भी लग रहा था कि ठंडा है कहीं नुकसान ना कर जाए, लेकिन फिर मैंने सारे ऑरेंज निकाल के और छील के उनका जूस बनाया। तो जूस बनाने के बाद ना फिर मैंने उसको ना थोड़ा सा गर्म किया, तो गर्म करके ना ऐसा लगा कि पीने में भी ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लगेगा और हो सकता है नुकसान भी ना करे, तो नुकसान नहीं किया था। काफ़ी फ़ायदा विटामिन सी होता है ऑरेंज में, और वैसे ना फ्रूट खा लो तो वो ज़्यादा फ़ायदा करता है, लेकिन वो इतने सारे ऑरेंजेस ले आए थे, करीब 2 किलो थे, अब हम 2-3 लोग खाने वाले तो इतने नहीं खा पा रहे थे। ससुर जी और सासू माँ तो खाते ही नहीं है, क्योंकि उनको नुकसान करेगा, इन दिनों में मौसम वैसे भी बहुत ठंडा है। तो बस वो ख़त्म करने की वजह से मैंने सबका जूस निकाल दिया, कम से कम नहीं तो 10 ऑरेंज होंगे। तो फिर जूस निकाल के एक गिलास मैंने बेटी को दिया, ये देखिए निकल आया और बहुत ही टेस्टी लगा। हल्का सा मैंने ना डाला काला नमक इसमें, और बहुत मामूली सा, जैसे कि बिल्कुल गुनगुना टाइप का होता है ना, उससे भी कम, तो बहुत ठंडा ना लगे, बस ऐसा मैंने कर लिया था। बस घुमाती रही गैस को, जला दिया और उसको घुमाते घुमाते जो बर्तन गर्म हो गया ना, उसी के गर्माहट से वो उतना गर्म हो गया। और बेटी का तो ऐसा टाइम हो गया है अभी कि मौसम ठंडा है, तो
देर तक उठते ही नहीं है बच्चे आजकल। हम अपने काम से चले जाते हैं, जब वापस आते हैं तो पता चलता है कि उनका ब्रेकफास्ट हो रहा है, तो फिर वही है कि सबकी टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है। लेकिन हम लोगों का तो नियम ऐसा है कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच के टाइम पे लंच, सब कुछ टाइम टू टाइम होता है। तो बस यहाँ पर मैं दे दूँगी अपनी बेटी को एक गिलास और मैं भी एक गिलास पीऊँगी। मम्मी जी से पूछा कि आप पियेंगी, तो उन्होंने मना कर दिया, पिए या ना पिए, लेकिन हाँ पूछना तो होता ही है ना, नहीं तो फिर ये लगेगा कि कहीं उनका मन हुआ और हमने नहीं पूछा है। फिर उसके बाद ना शाम हो गई थी, करीब 4:30 बज रहे थे, सब लोग आ गए थे, हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो मैंने ना चाय बनाने के लिए चली आई। पहले आराम किया था जूस पीने के बाद, रेस्ट किया 1 से 2 घंटे, 1 से 1.5 घंटे, सोते तो है ही नहीं, बस ये है हाँ थोड़ी देर लेट के मोबाइल ज़रूर चल जाता है, तो वही हमारा रेस्ट होता है। तो फिर यहाँ पर चाय बनाई मम्मी जी, पापा जी और बेटी, हम सब ने चाय पी। किचन में खड़े खड़े ना मुझे प्यास ज़रूर लगती है, तो मैं एक बार पानी ज़रूर पीती हूँ चाय बनाते टाइम, मेरी हैबिट पड़ी हुई है। तो यहाँ पर ना मैं पानी पी लूँगी। वैसे ना खड़े होके पानी कभी नहीं पीना चाहिए, हमेशा बैठ कर ही पीना चाहिए, बट एक बार किचन में तो पी ही लेती हूँ मैं पानी, फिर बाकी के टाइम तो मैं बैठ के ही पीती हूँ पानी, लेकिन एक बार किचन में तो खड़े होकर पी लेती हूँ। तो यहाँ पर चाय मेरी बन चुकी है, अब तो थोड़ा सा मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगा है, काफ़ी गलन वाली सर्दी होने लगी है मेरे यहाँ। तो आप बताइएगा आपके यहाँ कैसी ठंडी हो रही है। और सर्दियों में तो चाय कम से कम 2 से 3 बार तो हो ही जाती है, 2 बार तो होती ही होती है, और एक्स्ट्रा कोई आ जाए एक बार तो वो भी हो ही जाती है। चाय वगैरह पीने के बाद फिर ना सारे लोग, यहाँ पर मेरी बेटी को बड़ी ठंडा लग रहा था, तो ना हमारे यहाँ तो खूब सारी लकड़ियाँ थी, तो आंगन में बैठ के तसले में आग जला के सब लोग सिहा सेकने लगे, लेकिन मैं अपने कामों में लगी रही। और ये आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने अपनी बेटी के लिए प्रोटीन पाउडर बनाया था ना, उसकी रेसिपी जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताई थी, बस उसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। तो मैंने ये कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, मखाना, काजू, बादाम, अखरोट, पम्पकिन सीड और थोड़े से पम्पकिन सीड, उसके अलावा पिस्ता। तो सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं, आपको जैसे भी बनाना है, और आपको इसमें और कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अलसी के बीज, खसखस, तो इन सब चीज़ों का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैंने वो चीज़ें ऐड नहीं की कि पता चला कि मेरी बेटी ने पिया ही नहीं, वो ऐसे ही है। अगर मैं थोड़ा सा कुछ भी अदर चीज़ें डाल देती हूँ ना, तो उसका थोड़ा सा भी टेस्ट डिफरेंट हो जाए तो वो पिएगी नहीं। मैंने सोचा कि बस इसी का ही पहले बना के देखती हूँ, अगर पी लेती है ना तो मैं और चीज़ें ऐड करके दोबारा से बनाऊँगी। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, इसी तरह से अपनी अपने अकॉर्डिंग मैंने क्वांटिटी रखी, जैसे 1 कप मखाना ले लिया और 1/2 कप बादाम, 1/2 कप काजू और थोड़े से पम्पकिन सीड और पिस्ता, इसी तरह से और अखरोट। तो सब चीज़ों को मैंने ना बिल्कुल ड्राई रोस्ट किया बिना घी के, और बहुत ही पेशेंस के साथ धीमी गैस पर इनको रोस्ट करना है, फिर इनको ना पल्स मोड पर ग्राइंड करना है, और बिल्कुल बारीक ग्राइंड करना है। पल्स मोड पे इसलिए बोल रही हूँ ना कि अगर आप एक साथ मिक्सी को चला देंगे तो बादाम और जो काजू होते हैं ना वो ऑयल रिलीज़ करते हैं, तो एकदम से चिपके चिपके से हो जाएंगे और ड्राई ड्राई नहीं रहेंगे। इसलिए पल्स मोड पे पहले चलाया, फिर बंद किया, फिर चलाया, फिर बंद किया, और खोल खोल के उसको घुमा घुमा के इस तरीके से हमें इसका पाउडर बनाना है। तो मैंने बना लिया था पाउडर, और फिर गर्म दूध में 2 चम्मच डाला, सबको दिया थोड़ा थोड़ा, और मैंने इसमें ना थोड़े से इलायची दाने भी साथ में ही पीस लिए थे, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया। और आप इसमें साथ में मिश्री भी पीस सकते हैं और थोड़ी सी शुगर भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाली थी क्योंकि मुझे, बच्चे मेरे कम मीठा पसंद करते हैं, मैं उसी हिसाब से दूध में चीनी या बूरा कुछ भी डाल के दे देती हूँ। तो तैयार हो गया मेरा प्रोटीन पाउडर। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।